छोटी सी चिंगारी कब ज्वाला बन जाए ये किसी को पता नहीं चलता। यही है इस फिल्म में, एक छोटे से झगड़े को लेकर पूरे गांव को तहस नहस कर दिया गया। इतना खून खराबा हुआ, ब्रिज बिहारी ने इतना आतंक मचाया कि हाहाकार मच गया। चलिए देखते हैं ब्रिज बिहारी और विधायक के बीच बनी इस फिल्म को, जिसका नाम है यूपी 41। कैसे मैच खेलता है? सॉरी भैया, मैंने जानबूझकर नहीं मारा, गलती से लग गया। क्या सॉरी बे? हट। मेरे भाई को ठहर जा, तेरी टांगे नचवाता हूँ, रुकना ही। हट साले। पापा, मुझे विधायक जी के दोनों लड़कों ने मिलकर मारा, मुझे उनका कटा हुआ सर चाहिए, उनकी बोटी बोटी काट के कुत्तों को डालवा दो। हे, चल गाली निकाल। बाहर निकल, मार सालों चूतियों को। बम लगा। विधायक नहीं मिला, कहाँ चला गया विधायक? भैया जी, विधायक कहीं भाग गया। हाँ, भाग गया, पता नहीं कहाँ चला गया। भैया जी, कहाँ तक भागेगा विधायक, उसको ढूंढ कर मारूंगा। चलो। विधायक जी प्रणाम। देखिए हमारे गांव में कितना खून खराबा हो गया है, जिंदा जला दिया है, सारे लोगों को मार दिया है। आपके रहते हुए आप हमारे प्रतिनिधि हैं, अब हमें आप ही बताइए कोई उपाय। ब्रिज बिहारी ने पूरे गांव में तांडव मचा दिया है,
अब हम लोग कहाँ जाएं, इसलिए दौड़ते हुए आपके शरण में आए हैं। और आप कोई हमारा निर्णय कीजिए, आप ही हमारे भगवान हैं, हम लोगों को बचाइए। अभी ब्रिज बिहारी से बात करता हूँ। ब्रिज बिहारी, तूने बहुत ही गंदा काम किया है। तेरी दुश्मनी मुझसे थी ना, तो मुझसे बदला लेता। तूने सारे गांव को जला दिया। अरे तुझे जो करना है कर, मेरा काम था। तुम्हारे गांव में इतनी लाशें बिछा कर चला गया, तू अब लाशें गिनता रहा। जब मेरा मुंह सनकेगा कभी भी आकर, मैं तुम्हारे गांव में मौत का तांडव मचा दूंगा और तू कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। तूने अपना गुस्सा गांव भी उतार दिया, सारे गांव को तहस नहस कर दिया। अरे किस तरह तड़फा तड़फा के मारा है तूने गांव वालों को। तू अत्याचारी है, दुराचारी है। चाहे जितना भी पावर हो तेरे पास, तू मुझसे बड़ा पावरदार नहीं हो सकता। जनता प्यार करती है मुझसे, और जिसे जनता प्यार करती हो तो उससे बड़ा नहीं हो सकता। ब्रिज बिहारी, अरे ब्रिज बिहारी, गोली सर पे चले या घर पे, गांड सभी की फटती है। जिस दिन आऊंगा ना तेरे घर, तेरी भी फाड़ दूंगा। ब्रिज बिहारी, ये मेरा वादा है, मैं तेरी फाड़ दूंगा। ए दरोगा, इधर आ तू, कुछ काम है तुझसे, जल्दी भाग कर आ। मालिक जी नमस्ते। बहुत दिन बाद याद किया मुझको, त्योहारी वारी नहीं देंगे क्या? अबे चुप, तुम्हारा पेट नहीं भरता है? इतना खाने के बाद भी तुझे पैसे की पड़ी है? जो काम देता हूँ सुन। जी हुकुम करिए भाई जी। विधायक को रेप, बलात्कार, मर्डर, बम ब्लास्ट, कोई भी धारा लगा उसे घुटनों के बल थाने में बंद कर, जितना पैसा चाहिए ले मुझसे। अरे भैया जी रहम करिए हमारे ऊपर, हमको ऊपर भी जवाब देना पड़ता है। वर्दी का सवाल है भैया जी, किसी ईमानदार व्यक्ति को मैं कैसे अंदर कर सकता हूँ? तू साला मेरा एक छोटा सा काम भी नहीं कर सकता, तुझे किस चीज का पैसा देते हैं? साहब, लोगों को तनख्वाह मिलती है, उसे काम कहाँ चल पाता है? इनका काम ले लीजिए, और कम से कम जो मिलेगा उसे काम चल जाएगा, परिवार का, घर का, ऊपर दरे का। काम ले लीजिए अपने हिसाब से। चलिए भैया जी, मैंने वैसे भी जिंदगी में आपकी कभी बात नहीं काटी है। जब आपका मेरे सर पर हाथ है तो हमें किस बात का डर, आपका काम हो जाएगा भैया। मेरा नाम सबसे ऊपर होना चाहिए, सब पर भारी मैं हूँ, ब्रिज बिहारी। अरे भैया जी, इसमें भी कोई कहने की बात है? हम लोगों की क्या औकात। जी भैया जी, आपका काम हो जाएगा। अगर नहीं काम हुआ तो याद रख लेना। अरे भैया जी, आपकी तलवार और मेरी गर्दन, कैसी बात कर रहे हो आप? काम हो जाना चाहिए। अच्छा भैया जी, चलते हैं, प्रणाम, फिर मुलाकात होगी। ब्रिज बिहारी आया था यहाँ, कत्लेआम करके चला गया। तुम्हारे आंसुओं का हिसाब लूंगा मैं, एक एक आंसुओं का हिसाब लूंगा मैं। आपने मुझे जिताया है, विधायक बनाया है, अपने विधायक पे विश्वास रखिए, मैं ब्रिज बिहारी को जिंदा गाड़ दूंगा, ये वादा रहा। मैं आपका दर्द समझता हूं, जो बच्चे मारे गए हैं मैं उनका बदला लूंगा, एक एक अत्याचारों का बदला लूंगा। मैं आपके एक एक आंसुओं का हिसाब लूंगा। आपने विधायक नहीं बेटा चुना है मां, बाबा ब्रिज बिहारी ने ऐसा किया है, मैं उसकी ईंट से ईंट बजा दूंगा। नहीं नहीं, आप मेरे पैर न पकड़ो, आप मेरे दिल में बसे हो। अगर मैं होता ब्रिज बिहारी, चुन चुन के मारूंगा ब्रिज बिहारी, मैं एक एक व्यक्ति का हिसाब लूंगा, एक एक बच्चों का हिसाब लूंगा, एक एक माँ के आंसुओं का हिसाब लूंगा। ब्रिज बिहारी, मैं तुझे जिंदा गाड़ दूंगा, आप सब मेरी जान है, आप लोगों ने विधायक नहीं अपना बेटा चुना है, और ये बेटा आपको गारंटी देता है कि आपके जख्मों का चुन चुन के बदला लूंगा।
आ गए दरोगा जी। नमस्ते। धन्य हो आप लोग, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कम से कम गांव के लोगों के मरने के बाद तो आते हैं आप। पैसा देती है जनता आपको, वेतन आपको जनता के पैसे से मिलता है। अगर जनता टैक्स देना बंद कर दे तो तुमको वेतन नहीं मिलेगा। और 2% के लिए आपने अपनी वर्दी बेच दी, आपने ईमान बेच दिया। अरे आपके माँ बाप ने एक एक पैसा जोड़कर आपको पढ़ाया होगा तुम्हें इस रूप में कि हमारा बेटा इंस्पेक्टर बनेगा, एक जन प्रतिनिधि। तुम जैसा दरोगा कभी भी कहीं भी मर्डर होता है तो बहुत लेट में पहुंचते हैं। जनता का हम खाते हैं, जनता का तुम भी खाते हो। जनता के साथ गद्दारी करोगे तो कहां रहोगे? अगर आज आप लोग एक्टिव होते, अपने कानून के प्रति वफादार होते, अगर मैं चाहूं तो तुझे सस्पेंड करा सकता हूं, लेकिन ये नहीं करूंगा। विधायक का धर्म है कि अपने क्षेत्र में अपनी जनता के लिए मन मिटे, मैं वही करूंगा। 2% का गुंडा गांव में खून खराबा करके चला गया, ये सब तुम्हारी देन है। अगर बिजबिहारी की भड़वागिरी न की होती, अगर पैसा ना लिया होता तो उसकी औकात न पड़ती इस गांव में आने की, उसकी गांठ पड़ती कि यहां पे पुलिस आ जाएगी, गांठ पे डंडा पड़ जाएगा। एक रेंडी के भड़ुए ने, 2% के भड़ुए ने आपको खरीद लिया, इस वर्दी को खरीद लिया। कम से कम याद रखिए भैया, ये जनता तुम्हारी है और तुम इसके नौकर हो। जनता आपकी नौकर नहीं, जनता के नौकर आप हैं। और बिहारी जैसे दलालों के 2 रुपये पे आप बिक जाते हैं। अरे अब सुधर जाओ, अगर 24 घंटे के अंदर उसको अरेस्ट नहीं किया तो तू नहीं रहेगा इस थाने में, ये देख लेना। ये जनता के सेवक का वादा। भैया जो भी हुआ मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ। आज ही कमिश्नर से बात कर मैं ब्रिज बिहारी का इनकाउंटर के लिए आर्डर निकलवाता हूँ। ठीक है सर, जय हिंद। ये ब्रिज बिहारी का लड़का ना मेरे पापा को बहुत उल्टा सीधा बोलता है। आज अपन ना मिलकर साले का कान फोड़ लाने के कानिया बना देंगे। चल ठीक है रे। पापा नहीं है, लड़की अकेली। आया आया, सोना लूंगा चांदी लूंगा। कहाँ है तेरा बापू? अरे कितने दिन से मैं तुझ पर फिदा हूँ, जान चली जा रही तू कुछ सोचती तक नहीं। क्या घर बेचेंगे? पापा तो मेरा मर गया, बच्चे पैदा करेंगे, घर बसाएंगे। कुछ बोल जानू। अभी जाओ, पापा घर पे हैं। कहाँ? घर पे हैं। कहाँ? फोन करके बुलाऊंगी। फोन कभी नहीं किया तुमने, मेरा फोन भी खराब हो गया। अरे मैंने बोला ना मैं तुम्हें फोन करके बुलाऊंगी, मेरा नल खराब हो गया ऐसा मैं बोल दूँ, और तुम प्लम्बर बन के आ जाना। प्लम्बर? हाँ प्लम्बर। टोटी भी ले आऊंगा। हाँ तो क्या लाओगे? लगाऊंगा नल में। थैंक्स। अरे आज के बाद कोई घुसखोरी हुई तो सस्पेंड कर दूंगा सबको। फर्ज के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। कोई गद्दारी नहीं, इन साले ब्रिज बिहारी के गुंडों को गांड पे 5-5 लाठी मार के अंदर कर दो। वेतन हमको जनता देती है सरकार के द्वारा, कोई भी आ जाए, विधायक हो चाहे ब्रिज बिहारी, किसी की बात नहीं चलनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है सर जी, इनको अभी अंदर पटक पटक मारो, तो मैं यहाँ हूँ। इनको जेल में डालो और इनके सालों को 25-25 मारो। विधायक हो ब्रिज बिहारी हो कोई भी बात हो, घर पे 50-50 लाख मारो, मैं यहाँ हूँ। डरने की कोई बात नहीं। ये सब कुछ कब तक चलता रहेगा? अरे हमारी सास मारी गई। ये स्टार्टिंग ब्रिज बिहारी ने की थी, उसका खात्मा अब मैं करूंगा। अगर तुम ही डरने लगोगी तो जनता का क्या होगा? लोग डर जाएंगे, जनता डर जाएगी। हमें ये दिखाना है कि हम लोग डर नहीं रहे हैं। मैं बहन और माँ का बदला लूंगा, उसने मुझे रुलाया मैं उसको रुलाऊंगा। ठीक है तुम घर चलो, मुझे थोड़ा काम है, मैं निपटा के आता हूं।
पानी पीना है। भैया रुके। मैं पी लूंगा, किचन में पी लूंगा। अरे ये क्या है? ये भैया स्टैचू है, मौसी ने भिजवाया था। अरे कब? अभी थोड़ी देर पहले। अरे किचन में क्या कर रहा है? इसको बाहर करो। अरे ये तो बहुत बढ़िया स्टैचू, इसके बर्तन भी हैं। बहुत बताओ कीड़े थे, सब मर गए सारे। और विधायक भी होता तो उसको कुछ चिपका देते। ये साला ब्रिज बिहारी दुश्मनी मुझसे और मार रहा है बेगुनाह गांव वालों को। ब्रिज बिहारी आ रहा हूं मैं। खाली नहीं हो पाया, 2 लाख ईंटें भेजनी है हमें। कंट विधायक क्या बोला था मैंने? नहीं इसको देखिए मुनीम, हो जाएगा सर आज जरूर। इसको देखिए और ईंटा जरूर भिजवा दीजिए वहाँ पे कंट में। बिल्कुल आपकी आज्ञा का पालन। भैया आपको पैसे टाइम से मिल जाते हैं? भैया ये जो तरावा है इसको अलग लगाते हैं, इसको ऐसा करिए ये छांट के जो अच्छा ईंटा है अलग लगा दीजिए, तरावा अलग लगा दीजिए, इनको छांट दीजिएगा अलग लगा दीजिएगा, और ये जो काला वाला तरावा है इसको अलग लगा दीजिएगा। बाबूजी विधानसभा से बुलौवा आया है, आज बैठक है, हमको जाना पड़ेगा, आप अपने हिसाब से भट्ठा देखिएगा। ठीक बाबूजी, प्रणाम बाबूजी।
चल ये बता, तेरा बाप पिता कहाँ आए? मुझे नहीं मालूम है। भैया जी, अपना करोड़ों का सोना पकड़ा गया है, बहुत नुकसान हो गया है। सत्या, जो नुकसान हुआ है उसे होने दे। सबसे पहले विधायक का लोकेशन ट्रेस कर, जब तक मैं उसे मार नहीं देता मेरे भाई बिहारी की आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलेगी। विधायक की गाड़ी निकली अभी अभी, देखिए। एक दिन मां का चल। राम चौधा, अरे इस गाड़ी को ट्रेस कर, बकरी की माँ कब तक घर बनाएगी? आज नहीं तो कल उस मादर जात को मार ही देंगे। कमिश्नर साहब का आदेश है, आपको तलब किया है। विधायक जी, ये कानून है, आपको आना पड़ेगा। मैं जा रहा हूँ। कभी गुंडे हरामी साले। आप ही के थाने में हमारे दो आदमी बंद आए और हम यही चाहते हैं कि उसे तुम रिहा कर दो। पैसा चाहे जितना लगे मैं आपको दूंगा। भाई साहब, पर भारी बहुत टाइट है, काम होने नहीं देगा। पर भारी की ऐसी की तैसी, कर लो उसको। आप हो कौन? तुम जैसे पुलिस वालों के बाप हैं हम। क्या चाहते हो? अगर मेरे आदमी नहीं छूटे ना, पूरे थाने को नंगा करके मारूंगा। अगर जिंदा रहना चाहते हो ना, हमारे आदमी को आज के ही आज छोड़ दो। खरीद लो इनको। जी भैया। देखिए भैया, सब लोगों को लेकर जाइए गोदाम पे, जितने भी आदमी उसके मिले सबकी मुंडी धड़ से अलग कर दो। ब्रिज बिहारी तो गया, और सुनो, उसके आदमी भी नहीं बचने चाहिए। पीठ दिखा के ना आना, वरना कनपटी पे गोली मारूंगा, ये दिमाग में डाल लीजिए। भैया जी, हम सब साथ में जा रहे हैं, ब्रिज बिहारी के एक एक गुंडे को गिन गिन कर मारूंगा। अच्छा तो हम चलते हैं, हमको थोड़ा काम है, मैं होकर आता हूँ, तब तक तुम मंदिर हो आओ। अरे डरने की कोई बात नहीं, चलो तुम्हें रोड पार करा दे रहा हूँ, जाओ। ठीक है, अपना ख्याल रखना।